स्विस बैंकों में भी जो पैसा धनराशि रखी थी वो 2014 से 2017 के अंत तक 80% घटी है, ये स्टैटिस्टिक्स पूरे देश के समक्ष है। अब आता हूँ इस स्टैटिस्टिक पे जो माननीय सांसद जी ने अभी रेफर किया, इनका एक स्टैटिस्टिक के ऊपर ध्यान आकर्षित करूँगा। स्विस नेशनल बैंक ने डेटा निकाला कि कुल राशि स्विस बैंकों में विश्व भर में जो होती है उसकी एनालिसिस करके उन्होंने एक डेटा निकाला। हो सकता है वो स्विस बैंक का खाता भारत के कोई ब्रांच में भी हो सकता है वो किधर भी विश्व भर में किधर भी किसी भी भारतीय का हो, चाहे वो भारत में रहता हो चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। अलग अलग प्रकार से ये पैसे स्विस बैंक में कोई भी रखे, वैध अवैध जो भी, वो सब डेटा कंपाइल करके स्विस नेशनल बैंक एक फिगर निकालता है। मैंने स्विस अथॉरिटी से चर्चा की, भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस फिगर, तो मुझे लिखित जवाब क्या आया और मैं कोट करना चाहूँगा। स्विस नेशनल बैंक का जो फिगर मीडिया में आया है उसके बारे में स्विस अथॉरिटीज कहते हैं, द फिगर्स पब्लिश्ड बाय द SNB स्विस नेशनल बैंक आर रेगुलरली मेंशनड इन द इंडियन मीडिया एज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ एसेट्स हेल्ड विद स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन रेजिडेंस। देन ही क्लैरिफाइज के कैसे गलत है ये। ही सेज मोर ऑफन देन नॉट द मीडिया रिपोर्ट्स हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द वे द फिगर्स हैव टू बी इंटरप्रेटेड व्हिच हैज रिजल्टेड इन मिसलीडिंग हेडलाइंस एंड एनालिसिस। ये सरकारी रिस्पॉन्स है। रादर मोर ओवर इट इज फ्रीक्वेंटली अज्यूम दैट एनी एसेट्स हेल्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स आर अनडिक्लेयर्ड सो कॉल्ड ब्लैक मनी। फिर उनका कहना है कि अगर आपको सच्ची में इंडियन रेजिडेंट्स का कितना पैसा स्विट्जरलैंड में है वो देखना हो तो एक जो राइट डेटा सोर्स है, स्विस अथॉरिटीज कह रही है जो करेक्ट डेटा सोर्स है उसको कहते हैं लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, कि स्विट्जरलैंड लोकेशन स्विट्जरलैंड में कितना पैसा है ये भी स्विस नेशनल बैंक कलेक्ट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। और उस डेटा के अनुसार माननीय सभापति महोदय, उस ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, ज्वलंत विषय है, देश में लोगों को इसके बारे में गलत फहमियां दूर करने की सरकार की जिम्मेदारी है। ये खुद स्विस अथॉरिटीज लिखित रूप में देते हैं कि स्विस नेशनल बैंक इन कोलैबोरेशन विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जो डेटा है वो दर्शाता है कि लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियंस अदर देन बैंक, मतलब RBI भी रख सकते हैं, स्टेट बैंक भी रख सकते हैं, बैंकों को छोड़ो जो इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट स्विस बैंक्स में है स्विट्जरलैंड में, डिक्रीज्ड बाय 34.5% इन द लास्ट ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। राइट, सेकंड सप्लीमेंट्री 34% कम हुआ। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।